Hi guys, my name is Shelly Jain. Welcome back to my channel. Thank you so much for liking all of my videos, what I'm uploading these days and showing your love. This is really appreciable, guys. Thank you so much. Okay, so today's topic is a DIY for oily skin and a combination skin face mist. जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ऑल स्किन टाइप और ड्राई स्किन टाइप, आज की वीडियो में बताने वाली हूँ ऑयली स्किन के लिए और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑयली स्किन की, बिकॉज ज़्यादा करके ऑयली स्किन वाले हमारे पास बहुत ज़्यादा मेरे पास क्वेरीज हुई हैं ऑयली स्किन के लिए। तो ऑयली स्किन वालों को क्या करना है फेस मिस्ट बनाने के लिए, सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो हमको चाहिए उसके लिए वो है हमारे पास ग्लिसरीन। ये हमने लास्ट ड्राई स्किन वालों के लिए भी यूज़ किया था और ये हम ऑयली स्किन के लिए भी यूज़ करेंगे गाइस। ग्लिसरीन को हम ऑयली स्किन के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये ऑर्गेनिक होती है, इससे एक्चुअली कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे। और आपकी स्किन पे एक यू नो फेस वॉश करने के बाद जब आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है उसके जस्ट बाद अगर आप इस फेस में इसको अपने फेस पर अप्लाई कर लेंगे उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं आफ्टर थोड़ी देर, तो ये आपको काफ़ी अच्छा हाइड्रेशन देगा उस टाइम पर आपके फेस को, आपकी स्किन को एकदम से ड्राई नहीं करेगा। इसकी वजह से आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, आप नॉर्मली डे टू डे लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हैं विद गुलाब जल, विद पानी, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे गाइस। सो इसको हम यूज़ करने वाले हैं अपने फेस टोनर में आज। तो इसके अलावा जो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है वो ऑफकोर्स एक गुलाब जल होने वाला है, आप कोई भी गुलाब जल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप घर पर भी गुलाब जल बना करके उसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको टोटल हर्बल चाहिए, टोटली यू नो घर पर बना हुआ चीज़ें चाहिए तो आप इसको आप घर पर बना सकते हैं। ओके, इसके अलावा हमको क्या चाहिए, जो एक मेन इंग्रेडिएंट हमको इसके अंदर चाहिए दैट इज असेंशियल ऑयल। ऑफ कोर्स आई लव असेंशियल ऑयल गाइस, मैंने आपको बहुत सारे असेंशियल ऑयल्स के बारे में पहले बता रखा है, लाइक लवेंडर असेंशियल ऑयल के बारे में आपको बहुत ज़्यादा बात करती हूँ मैं बिकॉज वो मुझे बहुत पसंद है। तो ये जो असेंशियल ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ अभी, ये मोदी केयर कंपनी का है और इसका प्राइस है 330 रुपीज़, जिसमें आपको 15 ml टी ट्री ऑयल देते हैं। ये एक्चुअली टी ट्री ऑयल के साथ विटामिन ई भी है इसके अंदर, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है गाइस। विटामिन सी एंड विटामिन ई आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, आप जो भी प्रोडक्ट अपने लिए लेते हैं उसमें विटामिन सी या विटामिन ई हो तो आपके लिए वो बेस्ट होता है, चाहे वो कोई भी स्किन वाले हों, राइट। तो ये जो है इसको हम यूज़ करने वाले हैं। सो बेसिकली आई एम नॉट अ ऑयली स्किन पर्सन, जैसा मैंने पहले बताया था, तो मैं आपको वो बना के नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको रेशियो बताऊंगी, वो आपको अपने आप बनाना है और उसके बाद मुझे बताना है कि वो आपकी स्किन पे कितना सूट किया और आपको कितना फायदेमंद हुआ। इसके अलावा हमको जो एक चीज़ यूज़ करनी है दैट इज़ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप अगर डायरेक्ट प्लांट से लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, और अगर आपको चाहिए कि आपको मेहनत नहीं करनी है ज़्यादा मेरी तरह, तो आप जाकर के पतंजलि का यूज़ कर सकते हैं या फिर वाओ का आता है आप वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। पतंजलि का और वाओ का आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। उसके अलावा जो आपको यूज़ करना है वो कुछ भी नहीं है, अगर गुलाब जल नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप डिस्टिल्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं। नाउ मैं आपको रेशियो बताती हूँ, आपको रेशियो लेना है 1 cup ऑफ डिस्टिल्ड वाटर ऑब्लिक दिस वॉज वाटर, ओके। उसके अलावा आपको उसके अंदर यूज़ करना है 2 to 4 teaspoons ऑफ दिस ग्लिसरीन, 2 से 4 चम्मच आप ग्लिसरीन यूज़ कीजिए उसके अंदर। और उसके अलावा आपको यूज़ करना है ये असेंशियल ऑयल, ये असेंशियल ऑयल आपको यूज़ करना है अप्रॉक्सीमेट 5 to 8 drops, बहुत ज़्यादा असेंशियल ऑयल भी नहीं यूज़ करना चाहिए फेस पे गाइस, तो आपको लिमिट में रहकर असेंशियल ऑयल यूज़ करना पड़ेगा, और वो लिमिट में रहकर अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे स्किन पे बहुत इफेक्टिव होगा। तो ये 5 to 8 drops इसको आपको यूज़ करना है, और उसके अंदर आपको डालना है अप्रॉक्सीमेट 2 tablespoons ऑफ एलोवेरा जेल। उसके बाद आपको उसको शेक करना है, चाहे तो स्प्रे बॉटल में रखिए, चाहे तो आप कॉटन पैड पे लगा के यूज़ करिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल होता है आप उसको वैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो बैक टू द कॉम्बिनेशन स्किन टाइप पर्सन्स गाइस, मैं कॉम्बिनेशन स्किन वाली पर्सन हूँ, आपको पता है मेरे को फेस मिस्ट बहुत पसंद है, तो ये मेरा एक फेस मिस्ट मैंने बना के रखा हुआ है। ये जो बॉटल है ये एक स्प्रे बॉटल के फॉर्म में है बिकॉज आई लाइक टू अप्लाई फेस मिस्ट इज नॉट स्प्रे फॉर्म, तो ये मैंने घर पर बनाया था। इसके अंदर हमने क्या मिलाया है, इसके अंदर सबसे पहला है हमारे पास राइस वाटर। राइस वाटर इज़ अ वेरी बेसिक इंग्रेडिएंट एंड वेरी इफेक्टिव फॉर योर स्किन। राइस वाटर के एक्चुअली फ़ायदे बहुत हैं, आप उनको बालों में भी लगा सकते हैं, फेस पर भी लगा सकते हैं, और यू नो आपने स्क्रब्स में और बहुत सारी चीज़ों में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने राइस वाटर बनाया है वो कैसे बनाया है, मैंने बिना उबले हुए चावल लिए हैं और उन चावलों को मैंने ओवरनाइट उसको पानी में रखा है, उस पानी को हमको फेंकना नहीं है, उस पानी को हमको एक बॉटल में भरना है। उसके अलावा मैंने इसमें जो मिलाया है दैट इज़ अ टी ट्री असेंशियल ऑयल बिकॉज ये मुझे बहुत पसंद है। ऑल्सो मैंने इसके अंदर मिला है लेवेंडर असेंशियल ऑयल, क्योंकि ऑफकोर्स लेवेंडर असेंशियल ऑयल के बिना तो मेरी ज़िंदगी मुझे लगता है शायद ख़त्म ही है। तो ओके, तो ये दोनों चीज़ें मैंने इसके अंदर मिलाई है, मैंने ये क्योंकि ये छोटा है, इसमें सिर्फ एक एक ड्रॉप दोनों ऑयल्स हैं।
उसके अलावा मैं एलोवेरा वाली इंसान नहीं हूँ, मुझे लाइक आई डोंट लाइक एलोवेरा एट ऑल. एलोवेरा इज एक्चुअली अ लिटिल बिट एलर्जेटिक ऑन माई स्किन, तो मुझे एलोवेरा सूट नहीं करता. डजेंट मीन कि गाइस ये आपको सूट नहीं करेगा, और मुझे लगता है कि ऑयली स्किन वालों को तो एलोवेरा मतलब उनके लिए तो माई बाप भगवान है. तो आप लोग एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं, मुझे यूज़ नहीं, मुझे ये सूट नहीं करता है तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ. अगर आप कॉम्बिनेशन स्किन पर्सन है और अगर आपको एलोवेरा सूट करता है तो डेफिनेटली आप इसमें एलोवेरा ऐड कर सकते हैं. इसके अलावा आपको इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा सा ग्लिसरिन, और अगर आप ग्लिसरिन भी ऐड नहीं करना चाहते तो दैट्स ओके गाइस. आप उसके अंदर कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, पैराशूट का ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का, कोई सा भी दूसरा जो आप बना कर रखते हैं या यू नो मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं. सो मैं अभी बताने वाली हूँ कि मैं इसको अप्लाई कैसे करती हूँ. मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, ये जो नॉर्मल सा मेरा एक बॉटल बना हुआ है इसको मैं नॉर्मली ऐसे शेक करूँगी और मैं इसको स्प्रे कर लूँगी. ये गाइस मैं मेकअप के ऊपर भी यू नो इसको अप्लाई करती हूँ. तो इसकी जो स्प्रे बॉटल है ये बहुत अच्छी है, बिकॉज इसमें से जो स्प्रे के पार्टिकल्स निकलते हैं ना वाटर के, ये बहुत ही टाइनी टाइनी से हैं, तो ये स्किन में आपके काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं. और दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म टू यूज़ दिस राइट, मुझे ऐसा लगता है. आप चाहे तो कॉटन पैड में भी यूज़ कर सकते हैं. ये क्लेंजर का भी काम कर सकता है और ये आपको फेस मिस्ट का भी काम कर सकता है, बिकॉज इसके अंदर लेवेंडर असेंशियल ऑयल है. ये आपकी स्किन पे बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है और यू नो आपकी स्किन काफ़ी अच्छी हो जाती है, काफ़ी यू नो ब्राइटनिंग सी, क्योंकि इसमें राइस वाटर है, आपको ब्राइटनिंग इफेक्ट बहुत अच्छा देगा. तो आप इसको अपने घर पर बनाइए, चाहे आप ऑयली स्किन वाले हैं, चाहे ड्राई स्किन है, ऑल स्किन टाइप है, कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, अब आपके पास सब तरीके के DIYs हैं फेस मिस्ट के, तो आप इसको अपने घर पर बनाइए और मुझे बताइए कि ये आपके लिए कितना इफेक्टिव है. मैं तो मतलब इसके बिना नहीं जा सकती. ये पॉकेट फ्रेंडली है तो मैं इसको बैग में हमेशा रखती हूँ और मुझे नहीं लगता कि ये यू नो मैं इसके बिना कहीं जाने वाली हूँ. तो आप मुझे बताइए कि आपको ये कितना अच्छा लगा, और आप इसके लिए मुझे डिस्क्रिप्शन माय कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं. एंड ऑल्सो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और जो भी कुछ करते हैं आप वो कर लीजिए. ओके, और अगर आप चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम से मुझसे जुड़ना, तो उसमें आप MUAMATAI पे 7 करके आपको एक अकाउंट मिलेगा, वो मेरा अकाउंट है, आप उसको फॉलो कर लीजिए. और उसमें आपको बहुत सारे यू नो मेकअप की फ़ोटोज़ भी मिलेंगे, वीडियोज़ भी मिलेंगे फ्यूचर में, तो आप उसको फॉलो कर लीजिए. एंड दिस इज़ ओके गाइज, टिल देन I'll be back with the next video with some other queries. I'll be back, guys. You take care of yourself. I love you all. Bye.